रीवा के अतिथि विद्वान जल सत्याग्रह की राह पर 25 साल की नौकरी पर संकट के बादल चाहते हैं कोई ठोस हल। जिले भर से आए महाविद्यालयीन अतिथि विद्वानों ने जल सत्याग्रह में हिस्सा लेते हुए अपने 25 साल के दर्द को बयां किया। जल सत्याग्रह का आगाज आज अतिथि विद्वानों ने छोटी पुल पर किया। अब महाविद्यालयीन अतिथि विद्वान अपनी लड़ाई किसी मुकाम पर ले जाकर खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी लड़ाई का कोई ठोस हल निकले। उनकी ये लड़ाई अब पूरे प्रदेश में फैल गई है। ग्वालियर के अतिथि विद्वानों की तर्ज पर रीवा के महाविद्यालयीन अतिथि विद्वान भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से आरंभ हुए आंदोलन की आग ने समूचे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पिछले दिनों ग्वालियर में आमरण अनशन में बैठी महिलाओं की हालत खराब होने पर उन्हें ग्वालियर अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है। वहीं रीवा के महाविद्यालयीन अतिथि विद्वानों ने AD ऑफिस के बाद लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए रविवार को जल सत्याग्रह का आगाज कर दिया। महिला अतिथि विद्वान डॉक्टर आरती तिवारी ने बताया, आप देख रहे हैं हम जल समाधि में हैं। इसका कारण ये है कि हमारे मामा जी की आंखें बंद हैं, हमारे जो बच्चों के भाई कहलाते हैं उनकी आंखें खुल नहीं पा रही। उनकी आंखें खोलने के लिए हम लोग निरंतर, हमारी महिलाएं कुछ हैं वो ग्वालियर में मौत के मुंह में चली गई हैं, ICU में एडमिट हो गई हैं। रीवा AD के समस्त अतिथि विद्वान और महिला अतिथि विद्वानों की तरफ से हम उनका पूरा समर्थन करते हैं, और समर्थन करने के साथ साथ हमने आज ये जल में 11 बजे से 2 बजे तक रहने का निर्णय लिया है। अगर हमारे भाई साहब की आंखें नहीं खुलती हैं तो हम यहाँ पर अपनी समाधि ले लेंगे। मैं आपके माध्यम से ये उनको बताना चाहूँगी कि वो थोड़ा सा जागें। सत्ता का उन पर इतना जोश आ गया है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने घोषणाएं तो बहुत की, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री पवैया जी ने अभी अभी घोषणा की, और न जाने कितनी घोषणाएं उन्होंने रीवा आके स्वयं की हैं। हमारे भाई साहब ने, मैंने उन्हें राखी बांधी थी और उसी राखी के बदले उन्होंने मुझे ये कहा था कि जस्ट अगले सत्र में मैं आपको जितना आपने सोचा है उसका 25 गुना देने को तैयार हूँ। उनकी वो घोषणा कहाँ गई? आज ये बहन ये उनसे सवाल कर रही है, आज मुझे उनके भांजों को और भांजियों को छोड़ करके, उनका खाना पीना छोड़ करके मुझे जल में समाधि लेना पड़ा। वो इसलिए कि मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आज उनकी बहन यहाँ बैठी है और वो न जाने कहाँ सत्ता के गुरूर में बैठे हुए हैं। वो अपना गुरूर तोड़े, वरना वो उनका वो हाल होगा जो पहले वो देखते आए हैं। और ये जो शिक्षक यहाँ बैठे हैं, उच्च शिक्षित शिक्षक हैं, ये जो शिक्षक यहाँ बैठे हैं उन्हीं के जो भांजे हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं। और मैं ये बताऊं कि वोट बैंक की अगर राजनीति वो चलते हैं तो वोट बैंक की राजनीति उनकी हमसे है। मैं उनको आगाह करती हूँ वो फिर से आगाह हो जाएं, सत्ता के गुरूर को त्याग दें, छोड़ दें। गौरतलब है कि ग्वालियर की महिला अतिथि विद्वान की हालत गंभीरतर हो चुकी है, जिसके कारण नेता मंत्री बार बार धरना स्थल पर जा रहे हैं। वहीं रीवा के अतिथि विद्वानों का संघर्ष भी तीव्रतर होता दिखाई दे रहा है, जो जल सत्याग्रह की राह से गुजरकर जल समाधि तक पहुंच सकता है। इस बारे में अतिथि विद्वान डॉक्टर यश कुमार सिंह ने हमें बताया। हम लोग महाविद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध काम करने वाले अतिथि विद्वान में सहायक प्राध्यापक पद विद्वान में काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश शासन की 25 सालों से महाविद्यालय में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये असंवेदनशील हमारी सरकार जिसको संवेदनशीलता का ताज पहने हुए हैं मामा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, आज 25 साल से हम लोगों की दुर्दशा नहीं दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा विभाग को आज 25 वर्षों से निरंतर हम लोग संभाल रहे हैं। आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमारे और हमारे परिवार को भरण पोषण के लिए भी आज हमारे पास इतना आर्थिक नहीं है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और महिलाएं जो कि आज 25 वर्षों से हमारे महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के रूप में काम करते हैं, तो आज मातृत्व अवकाश भी इनको नहीं दिया जाता है, और जबकि उस समय इनको नौकरी सेवा से अपने हाथ धोना पड़ता है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से और उच्च शिक्षा मंत्री पवैया जी से ये मांग करता हूँ कि आज निरंतर 25 वर्षों से हमारी सेवा को देखते हुए
जो पीएससी का एक उन्होंने मायाजाल फैला के रखा है उस पीएससी को वापिस ले और पूरे प्रदेश में कार्यरत सभी 4500 अतिथि विद्वानों को ग्रंथपाल क्रीड़ाधिकारी को नियमित करे और अगर नियमित नहीं करते हैं तो हम लोग इससे भी बड़ा कठोर कदम उठाएंगे। आज निरंतर एक माह से हमारे ग्वालियर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारी चार महिलाएं वहां अमर अनशन में बैठी हैं, विद्वान साथी, उनकी हालत दिनों दिन वहां बिगड़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन है जो कि कोई सुध नहीं ले रहा है। तो मैं इस जल सत्याग्रह के माध्यम से रीवा एडी के समस्त विद्वान अपने ग्वालियर में बैठे सभी महिला मातृशक्ति को ये आश्वासन देते हैं हम लोग कि हम सब आपके साथ में हैं। अगर शासन नहीं मानते हैं तो हम आज तो जल सत्याग्रह कर रहे हैं और ये स्थिति अगर यही दमनकारिणी और यही शोषणकारी शासन की अगर नहीं चलती रही, हम लोगों को अगर नियमित नहीं किया जाता है तो हम लोग जल समाधि के लिए भी प्रेरित होंगे। और मैं इस मीडिया के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में जितने भी कार्यरत विद्वान सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल क्रीड़ाधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द आप नियमित करें, क्योंकि उनका अनुभव ही इतना ज़्यादा हो गया है, उनके लिए कोई योग्यता, कोई परीक्षा, कोई पैमाना उनके लिए अवशेष नहीं रह गया है। जल सत्याग्रह का एक और प्रयास हुआ बड़ी पुल बाबा घाट पर। मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र वितरण कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले मीटर वाचकों ने भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी पुल स्थित बाबा घाट पर जल सत्याग्रह किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में मीटर वाचकों ने मांग की है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी जाए, फोटो रीडिंग के लिए फोन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाए, वेतन फिक्स कर स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। हम आपको बता दें, रीवा के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर मनवाने के लिए अपनी तरह के इस नए प्रयास की ओर सबका ध्यान गया है। हम लोग विद्युत मंडल में विगत 17 वर्षों से मीटर वाचक के पद पर कार्य कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हमने जल सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसमें माननीय प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस जैन जी ने आश्वासन दिया था कि मीटर वाचकों को नियमित कर दिया जाएगा और जो मीटर वाचक बाहर हो गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। मगर मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम करती है, उल्टा आर्डर कर दिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज हमारे पूर्व क्षेत्र के लगभग 25,000 मीटर वाचकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसी के विरोध में आज जो है हमारे मध्य प्रदेश के 21 जिले के मीटर वाचक जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं कि जब तक मध्य प्रदेश की सरकार मीटर वाचकों को नियमित नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा।